एंड इन कंपनीज को मेरे कॉलेज में ड्रीम कंपनीज बोलती थी, ऐसी कंपनी जो काफी लोगों का ड्रीम था। मतलब इन कंपनीज में हो गया तो आपकी लाइफ सेट, 5-स्टार होटल में स्टे, काफी सारे पैसे, हाई एंड क्लाइंट के साथ बात करना, ये सब कुछ था इन कंपनीज के अंदर। बट मैं आगे बताता हूँ, जो काफी लोगों के लिए ड्रीम था उसने मेरे ड्रीम को कैसे तोड़ा। एंड मेरे दिमाग में थॉट आने लग गए कि क्या ये चीज मैं पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैं आपको ये जॉब रिकमेंड करूंगा? हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत। आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड स्ट्रेटजिस्ट एट वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म इन द वर्ल्ड। दैट्स राइट, आई एम नो लॉन्गर वर्किंग इन अ टॉप कंसल्टिंग फर्म। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी या छोड़नी पड़ी, क्योंकि काफी लोगों को पता होगा कि मेरी कंपनी के साथ थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने अपने चैनल पर से 2-3 वीडियोस भी डिलीट की थी। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो मैंने जॉब क्यों ज्वाइन की, सेकंड क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ी, एंड थर्ड मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो हाँ, फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं कि मैंने जॉब ज्वाइन ही क्यों की। एक्चुअली मैं एक बिजनेस एनालिस्ट बनने से पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर था। अपने कॉलेज में मैंने काफी सारे एप्स बनाए थे। इनफैक्ट मेरे 2-3 क्लाइंट्स भी थे जिसके थ्रू मैंने 1,00,000 रुपए कमा लिए थे अपने थर्ड ईयर में। उसके बाद मेरे को एक बहुत तगड़ा आइडिया आया अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप बनाने का। ऐसा ऐप जिसमें कॉलेज के बच्चे एनोनिमसली या फिर बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते थे। तो भाई फिर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की एंड मेरे को 1 साल लग गया खुद की सोशल मीडिया ऐप बनाने में। बहुत ज्यादा टफ था क्योंकि ऐसी कोई ऐप एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मतलब मेरे पास कोई भी रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था। इस ऐप को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो, जावा, जावास्क्रिप्ट, गूगल फायर स्टोर, फायर बेस, पता नहीं कितने सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने सीखे। एंड 1 साल बाद जाके मैंने एक फुल फ्लेज सोशल मीडिया ऐप बनाई जिसपे आप अपनी मन की बात पोस्ट कर सकते थे। उस पे लाइक का फीचर था, कमेंट का फीचर था, शेयर का फीचर था, बहुत सारे फीचर थे। इनफैक्ट हर एक कॉलेज स्टूडेंट की खुद की प्रोफाइल थी एंड उनको किसी भी ऐप की तरह नोटिफिकेशन वगैरह भी आ रहे थे। एंड ये सब कुछ मैंने अकेले किया था। बट इस ऐप को बनाने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि ये सब तो स्टार्टअप का सिर्फ 10% पार्ट है। इसके बाद और भी चीजें होती है, फाइनेंसिस को मैनेज करना, ऐप की मार्केटिंग करना, टीम बनाना, बहुत सारी चीजें होती है। एंड एक प्रोडक्ट बनाना तो कंपनी का सिर्फ फर्स्ट ही स्टेप है। एंड वैसे भी यार, मैं ऐप तो किसी प्रोफेशनल बंदे से भी बनवा सकता था 3-4 लाख रुपए में, एंड वो मेरे से 100 गुना बेटर ऐप बनाता एंड मेरे से आधे टाइम में। जहां मैंने 1 साल लगा दिया इस ऐप को बनाने के लिए, वहीं अगर मैं किसी प्रोफेशनल को हायर करता तो एक तो मेरे ऐप से 100 गुना बेटर ऐप बनाता, ऊपर से 3-4 महीने में भी बना देता। भाई टिंडर, लिंक्डइन, स्विगी, इन सबके फाउंडर्स नॉन कोडर है, मतलब उनको कोडिंग करनी नहीं आती, उन्होंने कहीं और से ऐप बनवाया था। एंड आज देख लो ये बिजनेस कितने ज्यादा सक्सेसफुल है। तब मेरे को समझ आया इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस है, ना कि कोडिंग। फिर मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, चाहे तो मैं MBA कर सकता था, मतलब मेरे को कैट देना पड़ता, उसके लिए 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता JEE की तरह, एंड उसके बाद भी एडमिशन भी हो जाता तो 2 साल लगते एंड 20-30 लाख रुपए देने पड़ते। एंड दूसरा ऑप्शन था कि मैं कोई बिजनेस एनालिस्ट की जॉब ही ले लूं। इसलिए जहां 80% बच्चे मेरी क्लास के कोडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वहीं पे मैं बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। फिर मेरे को पता चला कि एक बिजनेस एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल है कंसल्टिंग फर्म में, एंड वहां पर आपको डिफरेंट बिजनेसेस को हेल्प करना होता है। आप डायरेक्टली CEO से बात करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। एंड तब मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरे को तो यही जॉब चाहिए। फिर मेरे को किसी ने बताया कि जैसे कोडिंग के लिए टॉप कंपनीज मैंग है, मतलब मेटा, एमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, वहीं पर एक कंसल्टिंग फर्म के लिए टॉप कंपनीज MBBA है, मतलब मैकेंजी, बेन एंड BCG। एंड लकीली सारी कंपनीज मेरे कॉलेज में आ रही थी। तो भाई मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया एंड इनमें से एक टॉप कंसल्टिंग फर्म में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। एंड इन कंपनीज को मेरे कॉलेज में ड्रीम कंपनीज बोलती थी, ऐसी कंपनी जो काफी लोगों का ड्रीम था। मतलब इन कंपनीज में हो गया तो आपकी लाइफ सेट, 5-स्टार होटल में स्टे, काफी सारे पैसे, हाई एंड क्लाइंट के साथ बात करना, ये सब कुछ था इन कंपनीज के अंदर। बट मैं आगे बताता हूँ, जो काफी लोगों के लिए ड्रीम था उसने मेरे ड्रीम को कैसे तोड़ा। तो भाई मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली एंड पहले कुछ महीने वर्क फ्रॉम होम था, उसके बाद ऑफिस भी शुरू हो गया था। एंड जो चीजें प्रॉमिस हुई थी वही हो रही थी। हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए आ रहे थे एंड मैं घर से ऑफिस जा रहा था, तो मेरे कोई खर्चे भी नहीं थे, ना रेंट देना, ना खाने का खर्चा, कुछ भी। तो काफी सेविंग हो गई थी मेरी। दूसरी चीज, ऑफिस में ब्रेकफास्ट एंड लंच फ्री था एंड हर हफ्ते हमको पैसे भी मिलते थे जिसमें आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे। हर फ्राइडे को पार्टीज होती थी, उसके साथ साथ मैं काफी हाई एंड क्लाइंट्स के साथ बात कर रहा था। एंड मेरी टीम में भी काफी स्मार्ट लोग थे, मतलब वो लोग जिन्हें IIM पास आउट किया है, मतलब इंडिया के बेस्ट MBA कॉलेजेस के बच्चे उस कंपनी में मेरे साथ काम कर रहे थे। एंड भाई पार्टीज तो बहुत सारी होती है इन कंसल्टिंग फर्म में। एक चीज होती है ऑफ साइट में पूरा का पूरा ऑफिस 5-स्टार होटल बुक करता है एंड वहां पे फुल लग्जरियस स्टे होता है, खाना वाना सब कुछ फ्री होता है, मतलब बहुत ज्यादा पार्टी होती है पूरे एक हफ्ते उस 5-स्टार होटल में। तो काफी लोग बोल सकते कि उनके लिए ड्रीम कंपनीज थी, बट एक्चुअली मेरा ड्रीम कुछ और था। मेरा कभी भी एम इस कंपनी को ज्वाइन करने का लग्जरी या पार्टीज वगैरह नहीं था, मेरे को एक्चुअली बिजनेस से रिलेटेड चीजें सीखनी थी। एंड वैसे भी लग्जरी लाइफ काफी जल्दी वेयर ऑफ हो जाती है, मतलब स्टार्टिंग में जब इतने सारे पैसे आते हो तो आप अपनी फेवरेट चीज खरीद लेते हो, नया फोन खरीद लिया, वॉच खरीद ली, एक्सबॉक्स वगैरह
सब कुछ खरीद लिया, बट अब सही बताऊं तो इतने पैसे तो नहीं मिलते कि मैं कोई फरारी खरीद लूं या कोई बहुत बड़ा घर खरीद लूं। इतने पैसे मिलते हैं कि आप छोटे मोटे खर्चे निकाल सकते हो, बट बहुत ज्यादा भी पैसे नहीं मिलते। एंड खाने की बात करें तो मैं थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूं, आप इंस्टाग्राम पर जाके मेरा बाइसेप देख सकते हो @ritik_mehlawat। खैर कितने ही खा लोगे बाहर से आप, स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया लगता है बट फिर मन भर जाता है बार बार बाहर का खाने का। फिर आपको घर का ही खाना चाहिए, माँ के हाथों का ही खाना चाहिए। एंड वैसे भी बाहर का खाने से पेट खराब हो जाता है या फिर फैट वगैरह बहुत ज्यादा आ जाता है। ऊपर से जो पार्टीज होती है उसमें मैं ड्रिंक स्मोक तो करता नहीं, तो मेरे लिए पार्टीज इतनी भी कुछ ज्यादा लग्जरियस नहीं थी। एक और जो काफी लोग स्ट्रगल करते हैं कंसल्टिंग फर्म में वो है वर्क लाइफ बैलेंस। ऑल्दो काफी पार्टीज वगैरह भी होती है बट उतना ही ज्यादा काम भी होता है। मतलब काफी ऐसे दिन थे जब मैं अपने लंच 6 बजे कर रहा था, डिनर रात के 2 बजे कर रहा था, उसकी वजह से मेरी हेल्थ पर भी काफी इफेक्ट आ रहा था। ऊपर से यार काफी ज्यादा काम लैपटॉप्स वगैरह पे होता है, मीटिंग्स वगैरह बहुत होती है। इन सारी चीजों से परेशान होकर मैंने खुद का एक एग्जिट प्लान बनाना शुरू कर दिया। मैंने यूट्यूब वगैरह शुरू कर दिया, जॉब के बाद मैं अपने यूट्यूब पे काम करता था, फिर वीकेंड्स पे मैं रियल एस्टेट वगैरह भी देखने लग गया। एंड काफी मंथ ऐसे थे जब मैंने अपनी सैलरी से भी ज्यादा पैसे कमा लिए थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी हेल्थ पर भी थोड़ा इफेक्ट आने लग गया था। पहले मैं अपनी जॉब के लिए काम करता था, फिर यूट्यूब के लिए करता था, एंड काफी टाइम अपने लैपटॉप पे ही काम कर रहा होता था, तो आईज में स्ट्रेन या फिर थोड़ा पेन आने लग गया था। एंड इन जनरल भी मेरी लाइफ काफी मोनोटोनस हो गई थी, वही सुबह उठना, जॉब के लिए जाना, शाम को आना, जिम करना, फिर यूट्यूब का काम करना, सोना, फिर अगले दिन सेम चीज रिपीट हो रही थी। तो मेरे को अपनी लाइफ काफी बोरिंग लगने लग गई थी। एंड मेरे दिमाग में थॉट्स आने लग गए कि क्या ये चीज मैं पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अपनी लाइफ का 80% पार्ट काम में लगा देते हैं। मतलब सपोज मैं तो चाहता हूँ कि आप काफी लंबी उम्र जियो, लेकिन अगर फिर भी आप 100 तक जीते हो तो मतलब 20-21 साल में आपकी एजुकेशन पूरी हो जाती है, एंड बाकी के 80 साल आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हो। फिर मैं अपने सीनियर्स को भी देखता था जो 50-60 साल के हैं। नो डाउट वो बहुत ज्यादा अमीर थे, अच्छे खासे उन्होंने पैसे कमा लिए थे कंसल्टिंग के थ्रू, बट क्या मैं उनकी तरह जीना चाहता था? क्या मैं अपनी लाइफ के नेक्स्ट 20-30 ईयर्स 12-12 घंटे काम करके साल के 1-2 करोड़ रुपए कमाना चाहता था विद वेरी लिमिटेड टाइम? द आंसर वॉज क्लियरली नो। पहली बात तो ये, साल के 1-2 करोड़ रुपए इतने भी ज्यादा नहीं होते। ऊपर से 12 घंटे हर रोज किसी और के बिजनेस पे काम करना वॉज टोटली नॉट वर्थ इट। एंड तब मैंने डिसाइड किया इस जॉब को क्विट करने की। बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैं आपको ये जॉब रिकमेंड करूंगा? सो द आंसर इज 100% यस। इस जॉब की कुछ डार्क साइड्स तो थी बट काफी सारी गुड साइड्स भी थी। जैसे कि पहले तो मेरे को अंधी लेवल ट्रेनिंग मिली थी कि एक सीईओ से कैसे बात करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे इंसाइट जनरेट करते हैं, कैसे उन चीजों को प्रेजेंट करते हैं, एक बिजनेस मैन के दिमाग में क्या चलता रहता है, एक बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने अपनी जॉब से ही सीखी है। सेकंड इज मनी। काफी लोग मनी को अंडर एस्टिमेट करते हैं बट मनी इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा था इसलिए मेरी अच्छी खासी सेविंग भी हो गई। अब अगर मैं महीने के सिर्फ 10,000 रुपए कमा लेता तो भाई कितनी सेविंग कर लेता यार मैं। बट मैं महीने के लाखों रुपए कमा रहा था जिसकी वजह से मेरी सेविंग काफी अच्छी खासी हो गई थी, ऑल्सो मेरे एक्सपेंसेस काफी लो थे। वैसे पैसे कमाने के बाद मेरे को एक और चीज रियलाइज हो गई कि पैसों से भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, एंड वो है टाइम। क्योंकि पैसे तो यार फिर से आप कमा सकते हो बट टाइम एक ऐसी चीज है जो निकल गई तो निकल गई, उसको आप वापस नहीं ला सकते। थर्ड इज ब्रांड। कितना भी अच्छा बुरा बोल लो, एक चीज जो सब लोग देखते हैं वो है ब्रांड या फिर टैग। कोई भी बंदा हो, कोई मतलब बेकार से भी बंदा हो जिसको कुछ नहीं आता, बट अगर वो IIT से है ना तो लोग कहेंगे भाई देख यार वो तो IITian है। वैसे मेरे पास भी एक टैग है दैट आई हैव वर्कड इन अ टॉप कंसल्टिंग फर्म। तो जब मैं सपोज किसी और कंपनी में जॉब के लिए जाऊंगा तो वो ये चीज नोटिस करेंगे कि हाँ भाई इस बंदे ने एक टॉप कंसल्टिंग फर्म में काम किया हुआ है। ओवरऑल बोलू तो मेरा एक्सपीरियंस इन टॉप कंसल्टिंग फर्म में काफी बढ़िया था। एंड अगर आप एक फ्रेशर हो तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा। लग्जरी लाइफस्टाइल या फिर पार्टीज के लिए नहीं, वो तो है ही, बट एक्चुअली स्किल्स के लिए। जो स्किल्स आप इन कंसल्टिंग फर्म में सीखते हो उन स्किल्स को आप अपनी लाइफ या फिर अपने बिजनेस या नेक्स्ट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो, एंड काफी बेनिफिशियल होगा वो। अब बात करते हैं मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में। काफी लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होकर जॉब को छोड़ देते हैं कि भाई मेरे को नहीं करनी जॉब, आई रिजाइन। बट एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट्स द वर्स्ट अप्रोच। आपके पास हमेशा एक प्लान ए बी सी सारे होने चाहिए। एंड मैंने भी ये जॉब छोड़ने से पहले काफी सारे प्लान्स बना लिए थे। प्लान ए इज एक्चुअली टू डू अ बिजनेस। मतलब मैं यूट्यूब तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं रियल एस्टेट में भी घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई देखो फाइनेंशियल फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को पैसे इसलिए नहीं कमाने ताकि मैं फरारी या BMW वगैरह ले सकूं। मेरे को पैसे इसलिए कमाने हैं ताकि मैं जब चाहूं तब टाइम ऑफ ले सकूं। अब सपोज कल मेरे को गोवा जाना है तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं पहले अपने मैनेजर को लेटर लिखूं, वो बंदा सोचेगा कि इसको जाने दूं गोवा या ना जाने दूं, उसके बाद वो बंदा रिप्लाई करेगा एंड फिर मैं टिकट्स वगैरह बुक करूं। एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे टाइम को कोई और कंट्रोल करे। मेरे को ये चाहिए कि अगर मेरे को कल कहीं जाना है तो मैं आज बैग पैक कर रहा हूं, कल निकल रहा हूं। मेरे को बच्चों की तरह किसी की परमिशन नहीं चाहिए। मतलब यार अगर 10,000 भी कमाऊं लेकिन मतलब इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि जब चाहो आप जब वो काम कर सको। फिर मेरा प्लान बी है कि मेरा एक टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, इफ नथिंग सीम्स टू वर्क आउट मैं वो यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर सकता हूँ। एंड प्लान सी तो ये है कि सपोज बिजनेस भी नहीं चला एंड मैं उस यूनिवर्सिटी को भी ज्वाइन नहीं कर रहा तो मैं हमेशा किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकता हूँ। इतने स्किल्स एंड इतना तगड़ा रेज्यूमे मेरा है कि मैं हाँ किसी ना किसी कंपनी में जॉब जरूर ले सकता हूँ। अब सब कुछ अगर मैं एक दो
लाइन में समराइज करूं तो मेरा कभी भी प्लान ये नहीं था कि मैं प्रमोशन लेकर सीईओ वगैरह बनूं। मेरे को कुछ स्किल सेट सीखने थे एंड जैसे मैंने वो सीखे वो जॉब छोड़ दी मैंने। सेकंड इज मैंने जॉब छोड़ने से पहले खुद का एग्जिट प्लान बना लिया था। एंड द थर्ड थिंग इज आई एम जस्ट 24 इयर्स, तो एक दो साल में अगर चीजें वर्कआउट भी नहीं करती तो आई कैन ऑलवेज गो बैक। बाकी मैं मानता हूं कि एक ही लाइफ है, जो करना है वो करो। मरने से पहले बस ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई अगर मैं वो चीज कर लेता तो कितना बढ़िया रहता। तो जो भी मन में आ रहा है आप वो चीज जरूर करो, बट हमेशा एक सेफ्टी नेट जरूर रखना। एंड वैसे भी लाइफ इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज, सो यू बेटर मेक श्योर दैट दोज मेमोरीज आर रियली गुड। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक बार कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट जरूर लिख देना, क्योंकि जब भी आप इतना बड़ा स्टेप लेते हो थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती है। ऊपर से सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरे आगे की जर्नी जानने की, आगे मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूँ, क्या क्या बिजनेस करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।